जो टेबल आपको ध्यान रखनी है वो टेबल ये है, ठीक। साइन थीटा कॉस थीटा आपको अगर मिलता है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और इनकी पावर कैसी है, विषम है या ऑड पावर है, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा उसकी कितनी होगी, मिनिमम मान कितना होगा, न्यूनतम मान कितना होगा एक, अधिकतम मान कितना होगा, सॉरी न्यूनतम मान कितना, मान कितना होगा माइनस एक, अधिकतम मान कितना होगा प्लस एक। इसी तरीके से अगर क्या है, समघात है, पावर कैसी है, इवन पावर है। इवन पावर के केस में क्या होता है, न्यूनतम मान जीरो है, अधिकतम मान एक है, प्लस एक, ठीक। ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो आपको बता दिए गए हैं, बहुत कम क्वेश्चन इन पे पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। टैन या कॉट के केस में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, मीन्स न्यूनतम मान माइनस इन्फिनिटी और अधिकतम मान प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ये क्या होता है, समघात होती है, उस केस में क्या होता है, इवन पावर होती है, उस केस में जीरो हो जाता है और यही अधिकतम मान इन्फिनिटी। इसी तरीके से ये न्यूनतम मान विषम है, अगर कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, तो न्यूनतम मान माइनस इन्फिनिटी होगा और अधिकतम प्लस इन्फिनिटी, प्लस का अनंत वैल्यू होगा। अगर यही क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा या टू के सम होना चाहिए, पावर क्या सी हो, समघात हो जाए, तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा न्यूनतम और प्लस वन हो जाएगा न्यूनतम और प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू। तो इस पे बेस्ड हमें कुछ चीज़ें सीखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी हो चाहे रेलवे हो या एमटीएस हो, इनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आज की क्लास में, ऐसे क्वेश्चन दिया है, 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताइए या अधिकतम मान बताइए, न्यूनतम या अधिकतम पूछ लेता है, क्या करेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा का अगर न्यूनतम मान पता करना है और स्क्वायर है, मीन्स पावर कैसी है, सम पावर, इवन पावर है, सम घात है, तो उसके केस में क्या होता है, न्यूनतम मान इसका जीरो होता है, मीन्स 10 प्लस जीरो, तो इस केस में कितना हो जाएगा, पूरे का मान 10, न्यूनतम मान 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 10 हो जाएगा। अधिकतम पूछता है, अधिकतम के केस में क्या होता है, साइन का अधिकतम मान इवन के केस में कितना होता है, प्लस वन, ठीक है, प्लस वन होता है, जब भी पावर कैसी होगी, प्लस सम पावर होगी, ठीक है, सम घात होगी, तो क्या हो जाएगा, इसका मान एक हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा कम अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अधिकतम मान 11 हो जाएगा, ठीक। तो बस इसमें इतना ही है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछाते हैं, तुरंत आप क्वेश्चन देख करके ही कर सकते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर है मीन्स समघात है, समघात देखते ही आपने क्या किया, इसका मान कितना होता है, अधिकतम कितना होता है, प्लस एक, तो प्लस एक करके इसमें जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। न्यूनतम मान देखना है तो जीरो होता है, प्लस में कर देंगे तुरंत न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन पेपर के, ठीक है, ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ हमारी क्लासेस में बने रहिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय।